हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अब, जिसमें आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ चलेंगे, ठीक है ना। एडिशन भी होगा उसमें और सब्ट्रैक्शन भी होगा। 5.2 का फर्स्ट देखिए, देयर वर 6,425 वर्ड्स टू बी रिटन ऑन ए पेपर। एक पेपर पे कितने वर्ड्स लिखने हैं? 6,425। इफ अमित रोट 3,150, अमित ने कितने लिख दिए हैं? 3,150। एंड अनिता रॉट 5,556, 556, उसने ओनली 556 ही वर्ड्स लिखे हैं अनिता ने। हाउ मैनी आर लेफ्ट, कितने अब बाकी बचे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे अमित रोट वर्ड्स, एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखेंगे अमित व्हाट वर्ड्स, कितने? 3,150। अनीता व्हाट वर्ड्स? 556। अमित एंड अनीता रोट वर्ड्स, इतने वर्ड्स लिख दिए उन्होंने, तो ये प्लस हो जाएंगे। टोटल पूछ रहे हैं तो 0 और 6, 6, 5, 5, 10, 1 कैरी, 1, 1, 2, 2 और 5, 7, 3 का 3, 3,706। अब टोटल वर्ड्स, कुल शब्द कितने हैं? 6,425। अमित एंड अनीता रोट वर्ड्स, कितने लिखे हैं इन्होंने? 3,706। रिमेनिंग वर्ड्स, रिमेनिंग वर्ड्स कितने हैं? तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा इसमें, 5 में से 6 लेस नहीं हो सकता है, तो ये इसके साथ पास बोरो लेने जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 1 बोरो लेके, और 15 में से 6 लेस किए कितने बचे? 9। 1 में से 0 लेस किया 1। 4 में से 7 लेस नहीं हो सकता, ये इसे बोरो लेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 14 में से 7 लेस किया 7। 5 में से 3 लेस किया 2। 2,719 वर्ड्स क्या बच गए अभी तक? लिखे नहीं गए हैं, रिमेनिंग है, बचे हुए हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका इसमें, इन ए गार्डन देयर वर 5,800 प्लांट्स, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे 500 प्लांट्स वर रिमूव्ड, उसमें से फर्स्ट डे को, पहले दिन 500 प्लांट्स को हटा दिया गया। ऑन द सेकेंड डे 1,400 एंड ऑन थर्ड डे 1,236 प्लांट्स वर रिमूव्ड। सेकेंड डे 1,400 प्लांट्स को हटा दिया गया, थर्ड डे 1,236 प्लांट्स को हटा दिया गया। हाउ मैनी ट्रीज आर वर लेफ्ट, अब कितने बचे हैं उसमें? तो आप सबसे पहले जो रिमूव्ड कर दिए गए हैं उनको बताएंगे कि कितने रिमूव्ड कर दिए गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में फर्स्ट डे, डे प्लांट्स वर रिमूव्ड, कितने हटाए गए? कितने हटाए गए? 500। सेकेंड डे प्लांट्स वर रिमूव्ड, कितने हटाए गए? 1,400।
थर्ड डे प्लांट्स वर रिमूव्ड कितने हटाए गए 1236 टोटल प्लांट्स वर रिमूव्ड अब इनको प्लस कर देंगे 0 0 6 0 0 3 3 5 4 4 9 9 2 11 1 carry 1 1 2 2 or 1 3 3136 प्लांट्स हटा दिए गए। टोटल प्लांट्स कितने थे? टोटल प्लांट्स 5800 रिमूव्ड प्लांट्स वर रिमूव्ड कितने रिमूव्ड किए गए 3136 प्लांट्स वर लेफ्ट कितने बचे हैं? कितने बचे होंगे 0 में से 6 लेस नहीं हो सकता। ये इसके पास बोरो लेने जाएगा, इसके पास खुद के पास नहीं है, ये इससे बोरो लेने जाएगा, तो ये तो 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 में से 1 बोरो गई तो ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9। अब 10 में से 6 लेस किया 4, 9 में से 3 लेस किया 6, 7 में से 1 लेस किया 6, 5 में से 3 लेस किया 2। 2664 प्लांट्स बाकी रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आप देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन। इन ए बॉक्स देयर आर 4867 मैंगोस। एक बॉक्स में कितने मैंगो हैं? आम है 4867। इफ 2843 वर सोल्ड टू राम, राम को कितने बेच दिए गए? 2843। एंड 1502 वर सोल्ड टू सोहन, सोहन को बेच दिए गए, कितने बेचे गए? 1502 मैंगोज बेच दिए गए। हाउ मैनी मैंगोज आर स्टिल लेफ्ट इन द बॉक्स, अब कितने बचे हैं? अब आपको कितने बचे हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहले जो राम और सोहन को बेचे हैं उनका टोटल करेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे मैंगोस वर सोल्ड टू राम को कितने बेचे? 1502 मैंगोस वर सोल्ड टू सोहन, सोहन को कितने बेचे? सॉरी, राम को 2843 और सोहन को 1502, दोनों को प्लस कर देंगे। टोटल सोल्ड, टोटल मैंगोज सोल्ड कितने बेचे गए? 3 में से 2 लेस किया 3 और 2 5 4 और 0 4 8 और 5 13 3 1 कैरी 1 और 2 3 3 और 1 4 4345 मैंगोस बेचे गए। अब आप लेफ्ट मैंगोस तो टोटल इन ए बॉक्स या टोटल मैंगोस लिख दो। टोटल मैंगोज
कूलॉम 4867, सॉल्ट मैंगोज बेचे गए आम 4345। फिर क्या लिखेंगे आप, लेफ्ट मैंगोज, लेफ्ट मैंगोज, इसमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 7 में से 5 लेस किया 2, 6 में से 4 लेस किया 2, 8 में से 3 लेस किया 5, 4 में से 4 लेस किया 0, तो कितने मैंगो बचे हैं, 522। कितने मैंगो बचे हैं, 522। अब आप देखिए डिफरेंट सा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, तो वो देखेंगे आप 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ 3 में नंबर्स इज 9850, द टू ऑफ देम, उनमें से दो कौन से हैं, 5620 एंड 1268, फाइंड द थर्ड नंबर। तो जो दो नंबर दिए गए हैं उनको हम प्लस कर देंगे, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर लिखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में। देखो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है आपका, 5620, सेकंड नंबर क्या है, 1268, सम ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स 8 और 0, 8, 2 और 6, 8, 6 और 2, 8, 1, 5 और 1, 6, ठीक है, 6888। उसके बाद वो क्या कह रहा है, सम ऑफ थ्री नंबर्स, आप लिखेंगे इसमें सम ऑफ थ्री नंबर्स कितना है आपका, 9850, सम ऑफ टू नंबर्स आपने कितना निकाला है, 6888। थर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे से, जीरो में से एट नहीं हो सकता लेस, इसलिए ये तो फोर हो जाएगा, इसको ये बोरो देके 10 में से 8 लेस किया 2, 4 में से 8 लेस नहीं हो सकता इसलिए ये कैंसिल होकर 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14, 14 में से 8 लेस किया 6, 7 में से 8 लेस नहीं हो सकता ये 8 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 17, 17 में से 8 लेस किया 9, 8 में से 6 लेस किया 2, 2962। थर्ड नंबर क्या है आपका, 2962, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने आपके स्टार्टिंग के आपके 12 है, इसमें टोटल क्वेश्चन 12 है, उसमें से मैंने स्टार्टिंग के 3 करवा दिए, 2 आप करोगे, फिर उसके बाद मैं आपको 6 वाला 7 वाला दोनों करवा देती हूँ, 8 वाला कर लोगे आप, और 9 10 करवा देती हूँ, उसके बाद 11 12 कर लेना आप, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा आपके, कुछ क्वेश्चन आप कर लेंगे, कुछ मैं बता दूंगी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए टॉय फैक्ट्री प्रोड्यूस 1400 टॉयज, कार जो खिलौना कार है उसके कितने, 1400 खिलौने बनाए उसने, एंड 1360 टॉय ट्रेन जो टॉय होता है, खिलौना आता है ट्रेन का खिलौना, वो उसने 1360 खिलौने बनाए, और इफ़ टोटल ऑफ 1165 टॉयज वर सोल्ड, उसने इतने बेच दिए, फाइंड द नंबर ऑफ रिमेनिंग टॉयज, उसके बाद बाकी बचे हुए खिलौने के आपके नंबर बताने हैं। आप लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ टॉय कार, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ टॉय कार्स,
खिलौना कार कितनी है, 1400। नंबर ऑफ टॉय ट्रेन्स, ट्रेन जो खिलौना होती है वो कितनी है, 1360 है टोटल। नंबर ऑफ टॉयज 0066437112 2760 टॉयज हो गए। अब वो क्या कह रहा है, उसमें से उसने कितने बेच दिए, इफ टोटल ऑफ 1165 टॉयज वर सोल्ड। टॉयज वर सोल्ड कितने बेचे उसने, 1165। ठीक है, अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टॉयज, टॉयज कितने हैं, 2760 टॉयज वर सोल्ड, बेचे कितने गए हैं, बेचे गए थे 1165। अब वो क्या पूछ रहा है, रिमेनिंग टॉयज बाकी बचे हुए खिलौने, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब ये जीरो में से फाइव लेस नहीं हो सकता, तो इससे ये बोरो लेगा, ये फाइव हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा। टेन में से फाइव लेस किया फाइव, फाइव में से सिक्स लेस नहीं हो सकता, ये इसके पास बोरो लेने जाएगा और ये सेवन कैंसिल होके वन कम हो जाएगा सिक्स, और ये इसको एक बोरो दे देगा, फिफ्टीन हो जाएंगे। फिफ्टीन में से सिक्स लेस किया नाइन, सिक्स में से वन लेस किया फाइव, टू में से वन लेस किया वन, 1595। ठीक है, इस तरह से ये सेवन नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आप देखिए एट वाला क्वेश्चन है, ऑन हिज बर्थडे अमन डिस्ट्रीब्यूटेड 1236 कैंडीज टू द गर्ल्स ऑफ हिज क्लास एंड 1023 टू द बॉयज ऑफ हिज क्लास। अब वो कह रहा है इफ ही हैड ए टोटल ऑफ 3000 कैंडीज फाइंड द रिमेनिंग कैंडीज। अब वो टॉफियां लेके आया था, तो वो लड़कियों के कितनी बांट दी उसने, 1236, और बॉयज़ को कितनी बांटी, 1023, और टोटल कितनी थी, 3000। तो पहले बॉयज़ और गर्ल्स को बांटी गई है, उनको प्लस करेंगे और 3000 जो उसकी टोटल कैंडीज थी उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप नाइन नंबर क्वेश्चन, गीतिकास स्कूल लाइब्रेरी, अब इसमें से पढ़िए नाइन नंबर, गीतिकास स्कूल लाइब्रेरी हैज़ 2468 बुक्स मोर देन ज्योति स्कूल लाइब्रेरी। गीतिका के स्कूल में ज़्यादा बुक्स है किससे, ज्योति की स्कूल लाइब्रेरी से, कितनी ज़्यादा है, 2468। गीतिका स्कूल लाइब्रेरी हैज़ 5362 बुक्स, हाउ मैनी बुक्स डज ज्योति स्कूल लाइब्रेरी हैज़। अब वो पूछ रहा है, वो कह रहा है गीतिका के स्कूल में तो कितनी बुक्स हैं, 5362। अब वो ज्योति की लाइब्रेरी में कितने बुक्स हैं वो पूछ रहे हैं, तो आप लिखेंगे इन गीतिका स्कूल लाइब्रेरी हैज बुक्स, नाइन नंबर क्वेश्चन है, इन गीतिका स्कूल लाइब्रेरी लाइब्रेरी हैज बुक्स, कितनी बुक्स है, 5362। अब मोर बुक्स इन गीतिका स्कूल देन ज्योति स्कूल, मोर बुक्स हैज गीतिकास स्कूल देन ज्योति,
ज्योति स्कूल कितनी ज़्यादा है, 2648 ज्योति स्कूल लाइब्रेरी हैज बुक्स, ज्योति स्कूल लाइब्रेरी हैज बुक्स, ये सबट्रैक्शन हो जाएगा, 8 2 में से 8 लेस नहीं हो सकता, ये कैंसिल हो गया, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 में से 8 लेस किया 4, 5 में से 6 लेस नहीं होगा, ये 3 कैंसिल होके 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 में से 6 लेस किया 9, 2 में से 4 कैंसिल नहीं हो सकता तो ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 12 में से 4 लेस किया 8, 4 में से 2 लेस किया 2। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा कर देती हूँ आपके लिए, 5362 2894 इसमें है 5362 2468 2 में से 8 लेस नहीं हो सकता, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 में से 8 लेस किया 4, 5 में से 6 लेस नहीं हो सकता तो ये 3 कट जाएगा और ये कितना 1 बोरो देके ये खुद तो 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 में से 6 लेस किया 9, 2 में से 4 लेस नहीं हो सकता, ये कैंसिल होकर 4 हो जाएगा, ये एक बोरो लेके 12 हो जाएगा, 12 में से 4 लेस किया 8, 4 में से 2 लेस किया 2894 बुक्स किसके स्कूल में है, ज्योति के स्कूल में है। तो इस तरह से ये आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, और फिर भी आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप जो भी समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।